अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आज हम आपके मुतालिया पाकिस्तान के मारूजी सवालात करेंगे। इसके फर्स्ट 5 हम मारूजी पहले कर चुके हैं, तारीख़ पाकिस्तान बाप 2 के, और नेक्स्ट 5 आज हम करेंगे। पेज नंबर 33, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, ऐलान लाहौर से क्या मुराद है? इसका आंसर पेज नंबर 21 पे है, ऐलान लाहौर से क्या मुराद है। पेज नंबर 21 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 21 11th पॉइंट है, ऐलान लाहौर से क्या मुराद है। पूरा पॉइंट आपके क्वेश्चन नंबर शॉर्ट जो 6 है शॉर्ट, उसका आंसर है ऐलान लाहौर। 1999 में भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस के ज़रिए खैर सगाली का पैगाम लेकर लाहौर आए। मियां नवाज शरीफ ने वाघा बॉर्डर पर इनका इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों ने आपस के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कई इकदाम का ऐलान किया। एक मुश्तरका ऐलामिया पर भी दस्तखत हुए जिसे ऐलान लाहौर का नाम दिया गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है? 1973 का आइन है, उसको हम वफाकी आइन क्यों कहते हैं? पेज नंबर 9 की तरफ चलें। पेज नंबर 9 ये देखें, पॉइंट नंबर 3 वफाकी आइन, इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्यों दिया गया? 1973 के आइन के जो अहम पहलू हैं उसमें पॉइंट नंबर 3 है पेज नंबर 9 पे, वफाकी आइन। ये पूरा पॉइंट आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 जो शॉर्ट है उसका। पहले आइनों की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया है। आइन के तहत वफाके पाकिस्तान, 4 सूबों, वफाकी दारुल हकूमत और इससे मुल्हिका इलाके जो इनसे मुंसलिक इलाके हैं उनसे, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़रई ज़मीन की इनफरादी मलकियत कितनी मुकर्रर की गई? ठीक है, कितनी मुकर्रर की? पेज नंबर 5 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 5 पॉइंट नंबर 1, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौरे हुकूमत था उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़रई इस्लाहात की थी, और इन इस्लाहात में उसने कितनी मुकर्रर की थी ज़रई ज़मीन की इनफरादी मलकियत? इसका आंसर है ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में। क्वेश्चन नंबर 9, हबीब बैंक और UBL की निजकारी कितने रुपयों में की गई? ठीक है, इसका पेज नंबर 29 पे आंसर है। पेज नंबर 29, मुशरफ के दौरे हुकूमत में निजकारी और सनतों का क्याम इसमें है। दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपए में बेच दिया गया और UBL को सिर्फ 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीदवारों के लिए BA की शर्त किस इलेक्शन में लाजमी करार दी गई? कि उम्मीदवार जो है जो इलेक्शन लड़ेगा उसके लिए BA का होना ये शर्त थी, ये किस इलेक्शन में लाजमी करार दी गई? पेज नंबर 27 पे इसका आंसर। पेज नंबर 27, इंतखाबात 2002 और बहाली जमहूरियत 2002 के जो इलेक्शन थे उसमें ये हुआ था। BA की जो शर्त थी वो लाजमी थी। अक्टूबर 2002 में मुल्क में इंतखाबात मुनक्कद हुए। जनरल मुशरफ ने नवंबर 2002 में आइंदा 5 साल के लिए सदर मुमलिकत का हलफ उठाया। पाकिस्तान में पहली बार उम्मीदवार का ग्रेजुएट या BA पास होना लाजमी करार दिया। 14वीं का पास होना, 14 जमातें पास होना लाजमी करार दिया गया।